हम कल आराम से बात करेंगे। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। आखिर गलती करने वाले को तो सजा मिलनी ही चाहिए ना, ये बात तो इसी ने हम सबको सिखाई है ना? मानिक अंकल आप यहाँ क्यों आए? इस घर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, वैसे ही सब मेरे खिलाफ हो गए। और आप संध्या बेटा, गायत्री मैडम ने मुझे यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। मामला कंप्यूटर का है, पर मैं जानता हूँ तुम कंप्यूटर के मामले में कुछ नहीं जानती। शायद मैं ही कुछ कर पाऊँ। मेरी बात ध्यान से सुनो, डीके ने तुम्हारी बातों को जो रिकॉर्ड किया है, उस रिकॉर्डिंग को उसने कहाँ कहाँ सेव किया है, इसका पहले पता करो। मतलब पेन ड्राइव है, लैपटॉप है, सीडी है, मोबाइल है, उन सारी चीजों को अपने कब्जे में करना ही अपना पहला काम होगा, और हम उन सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करेंगे। और ऐसा करने में जब तक हम कामयाब नहीं होते, तब तक हम शांत रहो। और अगर डीके किसी को रिकॉर्डिंग दिखा नहीं रहा है तो तुम भी रिएक्ट मत करो। रिएक्ट कहाँ कर रही हूँ मैं मानिक अंकल, शांति तो बैठी हूँ कब से। उस डीके के दिल में जो आता है वो मुझे कह के चला जाता और मैं सुनती रहती, वो जो बोलता है वही करती। लेकिन अगर ज्यादा दिन तक यही हाल रहा तो अब तक की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मानिक अंकल, हमें जल्द ही कुछ करना होगा। संध्या बेटा, डीके तुम्हारी मेहनत को इतनी आसानी से बर्बाद नहीं कर पाएगा। हम इसमें से जरूर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे, बस तुम चौकन्ना रहो। और डीके ने वो सारी रिकॉर्डिंग्स कहाँ कहाँ छुपाई है ये पता करो। कौन है? मैडम, बड़ी मैडम ने आपको अपने कमरे में बुलाया है। तुम लोग देखो, अभी तुम लोग बड़ा लोगे नहीं, अभी बड़ा दिल रखने का काय को खाली पॉकेट में टेंशन लेता है। देखो जो हो गया वो तो हो गया ना, मिस्टेक हो गया आप उनसे, अभी भूल चुक माफ करने का नहीं। अभी क्या करने का तुम बोलो मेरे को, मैं करेगी ना। अभी तुम लोगों ने कसम ही खा लिया है कि मेरे को माफ नहीं करने का बोल के, तो बोल दो मेरे को, मैं जाती है अपना बोरिया बिस्तरा बांध के। तुम तो यही बोलोगी ना, तुम्हारा खैर इस हमारी दाव पे लगी हुई है। इस शहर का बच्चा बच्चा तुम्हें संध्या के नाम से जानता है। हमारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सबको ये पता है कि तुम इस घर की बहू हो। सबको ये भी पता है कि तुम युवराज के होने वाले बच्चे की माँ हो। वो तो ये अभी बनेगी माँ। मैं अपनी इज्जत को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला। इसे यही इसी घर में रहना होगा। और रहा सवाल इसने जो किया उसकी सजा का,
तो सजा तो इसे जरूर मिलेगी। आखिर गलती करने वाले को तो सजा मिलनी ही चाहिए ना, ये बात तो इसी ने हम सबको सिखाई है ना। टीके चाचू के कमरे की साफ सफाई और उनके वो सारे काम जो घर के नौकर किया करते थे, जब तक मैं ना कहूं वो सारे काम वृंदा ही करेगी। और रहा सवाल इसने जो किया उसकी सजा का, तो सजा तो इसे जरूर मिलेगी। आखिर गलती करने वाले को तो सजा मिलनी ही चाहिए ना, ये बात तो इसी ने हम सबको सिखाई है ना। तो फिर इसकी सजा कैसे माफ हो सकती है? सॉरी टू इंटरप्ट, भाभी एक रिक्वेस्ट है मेरी। जो भी सजा इसने मुझे या सरला भाभी को दी, प्लीज युवराज इसे वैसी वाली सजा मत देना। क्या है ना, दुनिया वालों के लिए ये इस परिवार की बहू है युवराज, और हमारे परिवार की बहू यूं नौकरों वाला काम कर रहे, ये शोभा नहीं देता। भाभी प्लीज नहीं। इसने जब तुम पर तरस नहीं खाया तो तुम इसे रहम क्यों दिखा रहे हो? नहीं डीके, इसे सजा भुगतनी होगी। तुम्हें इसे बचाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं भाई निशान, डीके बिल्कुल सही कह रहा है। हम इस बात को कैसे भूल जाएं कि ये लड़की भले ही हमारे लिए वृंदा है, लेकिन दुनिया के लिए तो ये संध्या है, यानी कि इस घर की बहू, युवराज की पत्नी और उसके होने वाले बच्चे की माँ। भला ऐसे में अगर हम इससे वो नौकरों वाले काम करवाएंगे जो इसने हमसे करवाए थे, तो लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे? एंड अबव ऑल, हम ये कैसे भूल सकते हैं कि इस वक्त घर में श्रेया मौजूद है, और श्रेया के लिए तो ये संध्या है, यानी कि उसकी बहन। उसके सामने हम इसे वृंदा बनाकर नहीं बिहेव कर सकते। जो भी हो चाची, इसने जो किया है उसकी सजा तो इसे भुगतनी ही पड़ेगी। ठीक है, श्रेया दी और घर के नौकरों के सामने नहीं, लेकिन टीके चाचू के कमरे की साफ सफाई और उनके वो सारे काम जो घर के नौकर किया करते थे, जब तक मैं ना कहूं वो सारे काम वृंदा ही करेगी। ये समझो कि सुनी चाची अपने मायके चली गई है, और उनकी गैर हाजिरी में ये घर की ये बहू चाचू की सेवा करेगी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो युवराज? सुनीता तो घर में ही है, वो थोड़ी ना कहीं गई है। नहीं गई है तो भेज दो उन्हें चाची, आई डोंट केयर। लेकिन इसने जो किया है उसकी सजा इसे भुगतनी ही पड़ेगी, एंड दैट्स इट। इसने डीके चाचू को हमारी नजरों के सामने गिराया था ना, और जब वो उनके झूठे बर्तन और कपड़े साफ करेगी तब इसे सबक मिलेगा। युवराज, भाभी ये सब करवाने की क्या जरूरत है? माना कि ये झोपड़पट्टी वाली है, लेकिन भाभी हम तो बड़े लोग हैं। और देखिए ना, उसने गलती की, लेकिन अपनी गलती की माफी भी तो मांगी है। पर भाभी मैंने इसे माफ कर दिया है, तो ये सब करवाने की क्या जरूरत है? छोड़िए ना, लीव इट। नहीं डीके, तुम इसके बीच में मत पड़ो। सजा तो इसे भुगतनी पड़ेगी। तुम्हें पैसा चाहिए ना, अब जरा पसीना बहाओ, तब समझ में आएगा कि पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है।